गाइस, तुम लोग सोच रहे होगा कि मैं इतनी ज्यादा रात गए और बाइक लेके वो भी ऐसी सुनसान सी इलाके में क्या कर रहा हूँ। यस, मैं गया था गाइस अपने दोस्त के घर पे बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन वहां से आते वक्त मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाने का सोचा और ये एक अजीब से रास्ते में आके मैं फंस चुका हूँ। लिटरली मैं कब से आए जा रहा हूँ और ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। बट एक मिनट, ये सामने की तरफ ये अजीब सा धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं भी है या फिर ये धूल उड़ रहा है? एक्चुअली मैं चल के देखना पड़ेगा क्लोज में ये है क्या जो इतना बड़ा धुआं सा नजर आ रहा है। बट एक मिनट, ये क्या है? एक सेकेंड, ये तो एक कार है, पर ये कार इतना ज्यादा अजीब है और लिटरली इस कार के अंदर से इतना सारा ये धूल निकल रहा है। पर इस गाड़ी को इतने सुनसान इलाके में छोड़ के कौन गया है? अंदर भी कोई नहीं है और एक्चुअली में ये कार देखने में भी कुछ ज्यादा ही डेंजरस लगता है। आई डोंट नो ये गाड़ी यहाँ पे किसने छोड़ा है, पर गाइस ये कार है बहुत ज्यादा खतरनाक और ऊपर से ये मुझे कोई मॉन्स्टर जैसे लुकेट कार लग रही है। इसे स्टार्ट करके देखते हैं, स्टार्ट होती है नहीं। शायद से ये गाड़ी खराब हो गई है। नहीं नहीं, ये कार बिल्कुल ही परफेक्ट ओके है और ये कार स्टार्ट भी हो चुकी है एक्चुअली में, और ये कार चलने में बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे जो धुआं निकल रहा था इस गाड़ी से वो भी खत्म हो चुका है। पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही तगड़ा वेपन लगा हुआ है जिससे हम लोग गोलियां भी चला सकते हैं। आसपास में कोई भी नहीं है जिससे मैं पूछ पाऊँ कि ये कार किसकी है। मुझे लगता है गाइस इस गाड़ी को किसने लावारिस छोड़ दिया यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम लोग इस कार को लेके चलते हैं यार। इतनी ज्यादा एपिक और जबरदस्त कार हमें बार बार नहीं मिलने वाली है। इस गाड़ी को ले चलते हैं, अपनी बाइक जो है वो कल सुबह हम लोग यहाँ पे आके अपनी बाइक को ले जाएंगे। ऐसी कार हमें दोबारा मिलने नहीं वाली है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार है और इसके सामने जो यहाँ पे बहुत ही डेंजरस सा स्लैब लगा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। आने वाली सामने वाली किसी भी गाड़ी को बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर मारने वाला है। ओ तेरी, लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तगड़ी टक्कर मार देगी इस गाड़ी से। मैंने बस जस्ट ट्राई किया था, उस गाड़ी को ब्लास्ट हो गई और ये गाड़ी भी इतनी ज्यादा दूर गई है। उससे भी ज्यादा एपिक चीज ये कि इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं। ये गाड़ी जंप भी कर सकती है। लेट्स गो, बहुत ही मस्त कार मिली हम लोगों को। इस कार को भी यहाँ पे खड़े करते गाइस, लेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हम लोग चल के सोते हैं क्योंकि सुबह मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। वो इंपॉर्टेंट काम मैं आप लोगों का सुबह को ही बताऊंगा, फिलहाल अभी थोड़ा मस्त सो लेते हैं थोड़ा सा। 2 hours later. अरे कोई तो बचाओ, अरे ये गाड़ी अपने आप ही चल रही है और ये गाड़ी कैसे चल रही है, ये सबको मार देगी, बचाओ। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस अपने सीक्रेट काम के लिए। जो मैंने आप लोगों को कल रात नहीं बताया, आज उसी काम के लिए हम लोग निकल रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है और मजा आने वाला है आज। पर रुको, आई थिंक शायद से किसी का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है हमारे घर के सामने। वो बहुत ज्यादा ब्लड गिरा हुआ है। ओ माय गॉड, तो ये हो बंदा, लेकिन ये तो जिंदा है और यहाँ पे इसकी हेल्प भी नहीं कर रहा है कोई। ये बंदा तो जिंदा है एक्चुअली में, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आसपास में कोई भी नहीं है जहाँ पे एम्बुलेंस को कॉल करे, या फिर यहाँ पे एम्बुलेंस भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इसे मुझे अपने घर में ही लेकर जाना चाहिए और अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेते हैं। ओके, फैमिली डॉक्टर ने इसे चेक कर लिया और एक्चुअली में इस बंदे को 2 गोलियां लगी हुई है और इसकी थोड़ी सी बॉडी जल गई है, जिसके बाद इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर दिया डॉक्टर ने। गोलियां निकाल दी और ये बंदा अभी बिल्कुल ही नॉर्मल है, वापस से ठीक हो सकता है। बस सम टाइम लगेगा और उसके बाद ये बंदा होश में भी आ जाएगा। ओके फ्रैंकलिन, उसे दवाई टाइम पे दे देना, मैं चलता हूँ। ओके डॉक्टर, गुड बाय। ओके, ये बंदा होश में तो आ चुका है और शायद से ये अभी परफेक्ट ठीक लग रहा है मुझे। ओके, तबीयत थोड़ी सी खराब है, पर बात करके पूछते हैं यार, इसका एक्सीडेंट कल रात कैसे हो गया था और इसके साथ हुआ क्या था भाई? पहले तो पूछना ही पड़ेगा यार, तुम बताओगे कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हें ये गोलियां कैसे लगी? मैं आप ही के घर से बाहर से गुजर रहा था। एक्चुअली मैं एक जादूगर हूँ और कल रात मेरा जादूगरी शो था एक लॉस सेंटोस के अंदर। मैं उसी जादूगरी शो को परफॉर्म करने के लिए जा रहा था, लेकिन आपके घर के सामने मेरी गाड़ी पंचर हो गई और मैं उसे ही बस देखने के लिए उतरा था, पर मैं यहाँ पे फंस गया। मेरी गाड़ी चल नहीं पा रही थी, स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। मैंने सोचा किसी से हेल्प मांगूं और अपने जादूगरी शो पे जल्दी से जाऊं, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था। तभी मैंने आपके घर के सामने देखा, बहुत बड़ा धुआं उठ रहा था
आपके गैराज में एक गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी अचानक मेरे तरफ देखने लगी जैसे कि वो कोई इंसान हो, और वो चीज देख के मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन मैंने फिर हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश करी तो उस पे एक सिर लगा हुआ था खोपड़ी, जिसे देख के मैं और डर गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे वहां से निकल लेना चाहिए, ना जाने किसकी गाड़ी है, और मैं वहां से निकल ही रहा था कि तभी वो गाड़ी अचानक से चलने लगी और उस गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। मुझे तो लग रहा है कि वो गाड़ी एक भूतीय गाड़ी है, क्योंकि वो कार अपने आप ही चल रही थी। मुझे उस पे शक है, आइए मैं आप उसको गाड़ी को दिखाता हूँ आपको, शायद आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी गाड़ी है और वो गाड़ी सच में अपने आप ही चलती है या फिर नहीं। एक सेकेंड, ये बंदा कब से बकवास करे जा रहा है, ये इस गाड़ी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं गाइस इस गाड़ी को कल रात हम लोग लेकर आए थे और ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। हाँ, पर ये गाड़ी स्टार्ट तो मैंने नहीं छोड़ के गया था। हम लोग इस गाड़ी को परफेक्टली इस राउंड शेप में हम लोग इसे खड़ा नहीं करके गए थे और इस गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं किया था। ये गाड़ी स्टार्ट कैसे है और यहाँ पर खड़ी भी थी, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है कार के अंदर, कार बिल्कुल परफेक्ट चल रही है वैसी जैसे कल रात को हम लोग लेकर आए थे। पर इस गाड़ी के अंदर पावर वैसी है जैसे कल रात की थी, गाड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट है। इस गाड़ी को पे खड़ी करते, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इस बंदे को जो है थोड़ा सा शक है शायद इस गाड़ी के ऊपर। एक्चुअल में कोई भी डर जाएगा यार, ये गाड़ी है ही इतनी ज़्यादा खतरनाक दिखने वाली। मिस्टर वो देखिए आपकी वो गाड़ी वापस से चलने लगी, बचाइए मिस्टर, ये गाड़ी अभी मुझे मार देगी। वो तेरी, ये क्या चल रहा है? एक्चुअली मैं गाइस ये कार अपने आप ही चल रही है और इस गाड़ी ने उस बंदे को पूरी तरीके से कुचल दिया। एक सेकंड, ये चल क्या रहा है, कितनी बुरी तरीके से कुचल के मारा इस गाड़ी को। सबसे पहले तो गाइस इस गाड़ी का टायर में तो ब्रश करता हूँ तो पंचर भी नहीं हो रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है ये कार चला कौन रहा है। और लेकिन गाइस गाड़ी के अंदर कोई नजर भी नहीं आ रहा है, शायद से ये गाड़ी कोई भूतिया कार मुझे लग रही है जहां तक तो लग रहा है यार। और इस गाड़ी ने सामने वाले उस बंदे जादूगर को बहुत ही गंदी तरीके से कुचल के मारा है। इस गाड़ी को सबसे पहले ब्लास्ट करो, चलो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया, बिल्कुल भी बचनी नहीं चाहिए। अगर ये भूतिया कार है तो आज के बाद इस गाड़ी का नामो निशान मिट जाना चाहिए। एड्स को भाई अभी भी थोड़ी सी बची हुई है, पूरी तरीके से ब्लास्ट करते हैं। आई थिंक ठीक है, अभी परफेक्टली ब्लास्ट हो चुकी है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कार अपने आप ही चल कैसे सकती है। लिटरली में ये कोई भूतिया कार होती तो कल रात को ही मेरे ऊपर अटैक करती होती, ये भूतिया कार तो मुझे लग नहीं रही थी। और इस गाड़ी को कोई मुझे लगता है रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, आई होप कि रिमोट से ही कंट्रोल कर रहा होगा। बट इस बार गाइस बहुत ही बुरी तरीके से कुचल के मारा है इस बंदे को। मैं सबसे पहले काम करता हूँ यार, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ और साथ ही साथ पुलिस को भी कॉल कर देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पुलिस को तो यहाँ पे आना ही चाहिए। तो सबसे पहले एम्बुलेंस और पुलिस को दोनों को कॉल करते हैं, यहाँ पे बुला लेते हैं। ओके, बात हो गई है, अभी थोड़ी देर में ऑफिसर और एम्बुलेंस दोनों ही आता होगा बचाने के लिए उस बंदे को। ये क्या, अरे ये कार यहाँ पर, अभी तो इस गाड़ी को मैं ब्लास्ट करके आ रहा हूँ, पर ये यहाँ पे क्या कर रही है? एक सेकेंड, जस्ट इन दिस, गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद भी चल रही है, इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई इस गाड़ी में? कोई गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद तो चल ही नहीं सकता है, और ये कार कितनी ज़्यादा खतरनाक है। आई थिंक मुझे लग रहा है गाइस ये सच में कोई भूतिया गाड़ी है, सबसे पहले से बचना होगा। यहाँ पे एक कार खड़ी है, इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। इस गाड़ी ने हमारे ऊपर अटैक तो किया है, पर फाइंड इट हमारे पास कोई स्पोर्ट कार है ये शायद से, इसे लेके भागते हैं जितना जल्दी हो सके। ये गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, पर ब्लास्ट होने के बाद ये गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, ये कैसे हो सकता है? आई थिंक मैंने इसे बुरी तरीके से ब्लास्ट किया नहीं था, इससे थोड़ा सा और ब्लास्ट करने की ज़रूरत है मुझे आई थिंक लग रहा है। सबसे पहले कहीं ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे हम लोग छिप सकें और उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो, गाड़ी के ऊपर चलते हैं, शायद से वो गाड़ी हमारे पीछे नहीं आ रही है। वो तेरी गाड़ी तो पीछे आ रही है, पर उसने शायद से हमें देखा नहीं कि हम लोग पहाड़ी के ऊपर आ रहे हैं, वो रोड बाई रोड जा रही है कहीं तो। और इस वक्त मुझे लगता है यस,
ये हुई ना बात। ओके तो अब ये कार गाइस फंस चुकी है, बहुत बढ़िया, ऐसा ही मैं चाहता था। और अब इट्स गॉड्स किलर कार को फाइनली खत्म करने का टाइम आ चुका है। पर ये लिटरली में बहुत पावरफुल है, इतनी आराम से ये खत्म होने नहीं वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। इसको पूरी तरीके से मुझे जला के खत्म करना पड़ेगा। 8 PC हमारी खत्म होने वाली है। बस सबसे पहले काम करते हैं, गाड़ी पूरी तरीके से इस पेड़ के ऊपर चढ़ के अटक चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग ढेर सारे मॉलिस फेंक देते हैं ताकि ये गाड़ी जल के ही खत्म हो जाए। पर मैंने इसे इतना RPG मारने के बाद भी खत्म नहीं कर पाया, मैं सोच रहा हूँ यार। ओके गाड़ी चल रही है बहुत ही गंदी तरीके से, और अभी फाइनली द एंड हो चुका है मुझे जहाँ तक लग रहा है। गाड़ी तो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो ही गई है, पर थोड़ा सा और अच्छे से ब्लास्ट कर देते हैं ताकि दोबारा ठीक ना हो पाए। फाइनली अभी लग रहा है गाइस कि मैंने इस गाड़ी को ख़त्म कर दिया। आई होप कि ये गाड़ी ख़त्म हो गई हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लास्ट करने के बाद कोई भी गाड़ी वापस से रिपेयर हो ही नहीं सकती है। तो ये कार रिपेयर कैसे हो गई थी मैं यही सोच रहा हूँ यार। ये दिस कार इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ये गाड़ी मुझे कोई भूतिया गाड़ी लग रही है। जहाँ तक रिमोट कंट्रोल कार की बात है, रिमोट से कंट्रोल करने वाली गाड़ी होती तो ये डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस से रिपेयर हो नहीं पाती। और अभी इस भूतिया गाड़ी का तो एंड हम लोगों ने कर दिया, तो जल्दी से घर पे चलते हैं। चलो जल्दी से घर पे निकलते हैं और चल के गाइस उस बंदे को बचाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टर शर्मा के ऊपर भी अटैक किया था किलर कार ने, तो जिसके बाद मैं मिस्टर शर्मा को हॉस्पिटल लेकर आया था। अभी इनका इलाज हो चुका है, लेट्स गो। अभी हम लोग चढ़े सीधा कर्ट्स किलर कार को पकड़ने के लिए। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि हम लोग कर्ट्स किलर कार को पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पकड़ने का कोशिश भी किया था उस गाड़ी ने बहुत ही गंदा मेरे ऊपर अटैक किया था। और शायद से मुझे लगता है यहाँ पर जो ये बहुत बड़ा तहलका मच रखा है ये भी कर्ट्स किलर कार की वजह से ही है। लेकिन वो किलर कार इस वक्त है कहाँ पे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आतंक मचा हुआ है तो जरूर हो सकता है कि वो किलर कार आसपास में ही हो, तो लेट्स गो चलते हैं जरा आसपास में देखते हैं कि वो किलर कार यहाँ पे है या फिर नहीं। अरे ये क्या रोड पे इतना ज्यादा ट्रैफिक, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अरे ये क्या, ये किसकी गाड़ी है जो रोड के बीचों बीच में खड़ी है। शायद से इसी चीज को देख के लोग यहाँ पे उठके हुए हैं। सबसे पहले तो इसे ही देखता हूँ, ये गाड़ी है किसकी और इतनी ज्यादा हैवी लेवल की मॉडिफिकेशंस। ये तो लॉस एंटोस के अंदर इनलीगल है, और ऐसी गाड़ियां तो रोड पे चलने के लायक ही नहीं है। लेकिन इसे रोड पे कौन लेकर आया है, ऐसी गाड़ियों को तो रोड पे चलने का बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये गाड़ी किसी ने बहुत ही तगड़ा मॉडिफिकेशन करवा के अरेना टूर्नामेंट के लिए रोड पे लेकर आया है। ए, ये कार किसकी है, सामने आ जाओ वरना मैं तुम्हारी टूर्नामेंट कार को अभी के अभी बैन कर दूंगा परमानेंटली, जिसके बाद तुम अपना अरेना भी नहीं खेल पाओगे। तो फिर ठीक है, अगर तुम सामने नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये गाड़ी है किसकी, किसी का समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे इस गाड़ी को यहाँ से टो करके लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन रुको, इस गाड़ी को ओपन करता हूँ। अरे ये क्या, गाड़ी को लॉक करके यहाँ पे खड़ा करके चला गया है। आखिरकार कौन कर सकता है ये, लेकिन क्यों यहाँ पे खड़ा क्यों किया है उसने। टो ट्रक लेकर आते हैं और इसे टो करके यहाँ से ले चलते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो कार खड़ी थी, अचानक वो गाड़ी कहाँ गई। ए तुम में से कोई जानता है यहाँ पे जो कार खड़ी थी वो कार अचानक यहाँ से गायब कैसे हो गई। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इतनी जल्दी वो गाड़ी कहाँ जाएगी। ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है, अरे चिपो यहाँ पे, ये कार अचानक से यहाँ से वहां कैसे चली गई। अरे ये क्या, बचाओ, ये क्या हो रहा है। ओ तो ये कार अपने आप ही चल रहा है, लेकिन इस गाड़ी को कौन चला रहा है, गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है। अरे ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस कार लगता है, ये तो सबको मार देगा ऐसे, तो मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगा, ये गाड़ी बहुत खतरनाक है।
इस गाड़ी से टच होते ही कोई भी सामने वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जा रही है। ओह नो, ये तो मुझे कोई मॉन्स्टर कार लगता है। ये कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या कर दिया, पूरी तरीके से यहाँ खड़ी हर एक गाड़ी को, इंसान को मार दिया। लेकिन वो कार अपने आप कैसे चल रही थी? वो गाड़ी को जरूर कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। ओह नो, यहाँ पे तो कोई जिंदा नहीं बचा है। एक सेकेंड गाइस, सामने की तरफ एक बहुत बड़ा सा मुझे आधी तूफान जैसा नजर तो आ रहा है कुछ, और ये शायद से यहाँ पे नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं हो सकता। किलर कार इतना बड़ा तबाही तो नहीं मचा सकती है। यहाँ पे शायद से कोई बहुत बड़ा बॉम्ब विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई हैं। पुलिस ऑफिसर खड़ा इससे बात करते पूछते यहाँ पे ये बॉम्ब विस्फोट हुआ कैसे, और इसको भी काफी चोट लगी हुई है एक्चुअली में लगता है। तो चलो पता करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। ओह माय गॉड, एक्चुअली में गाइस मैं गलत था। जहाँ तक मुझे लग रहा था गाइस कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये गॉड्स किलर कार नहीं कर सकती, लेकिन वो किलर कार इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि यहाँ पे जो तबाही मची हुई है वो किलर कार ने मचाई है। लिटरली हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग उस गाड़ी को कैसे रोकने वाले हैं, लेकिन मैं बस उस गाड़ी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे इतना तो पता है भाई, मैं उस गाड़ी को अकेले रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ये ट्राई किया था तो उस गाड़ी ने मेरा कुत्ता बना दिया था। तो मुझे इतना तो पता है उस गाड़ी को रोकना है मुझे, तो मुझे किसी प्लान की जरूरत पड़ेगी। जब तक कोई प्लानिंग के साथ मैं काम नहीं करूंगा तब तक उस गाड़ी को नहीं रोक पाऊंगा। एक प्लान है दिमाग में मेरे, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर को आप में बताता हूँ कि वो प्लान क्या है। पर यहाँ पे मुझे जल्दी से कॉल करना होगा माइकल को, क्योंकि माइकल से भी बोल देते हैं उस गाड़ी के बारे में, और माइकल को ढूंढने के लिए बोलते हैं उस गाड़ी को। शायद से माइकल भी ढूंढ पाए उस गाड़ी को कहाँ है। ओके, तो एक्चुअली में गाइस माइकल इस वक्त प्रोड्यूसर बन चुका है और वो एक मूवी की शूटिंग कर रहा है इस वक्त अपने सेट पे। तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे चलते हैं, हो सकता है वहाँ पे सेट पे बहुत ज्यादा भीड़ हो तो वो किलर कार जो है उस सेट पे भी पहुंच जाए, क्योंकि जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है वो किलर कार वहीं जाती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के लिए। लेट्स गो, ये रहा माइकल का सेट, यहाँ पे चल रही है माइकल के शूटिंग, जल्दी से चलते हैं और माइकल से मिलते हैं। आई थिंक माइकल को कॉर्ड्स क्लियर कार के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तो शायद से हमें उसके सारी चीजें बतानी भी पड़ेंगी। और तो यहाँ पे चल रही है शूटिंग, पर ये किस मूवी का शूटिंग लग रहा है मुझे, आई डोंट नो। आपको पता है तो कमेंट करके जरूर से बताना यार कि माइकल को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है और वो किस मूवी की शूटिंग कर रहा होगा। ये रहा माइकल, इससे पता करते हैं गाइस कि यहाँ पे कॉर्ड्स क्लियर कार आई थी या फिर नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कॉर्ड्स क्लियर के बारे में कुछ जानता भी नहीं हो, तो पहले तो इसे बताते हैं सारा कहानी कॉर्ड्स क्लियर कार के बारे में। यस गाइस, मुझे पता था कि माइकल को किलर कार के बारे में कुछ पता होगा नहीं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी किलर कार के बारे में सब कुछ बताते हैं जैसे कि वो किलर कार हमें मिली थी। क्योंकि गाइस माइकल बोल रहा है कि उसे कॉर्ड्स क्लियर कार के बारे में कुछ नहीं पता है और उसने कभी कॉर्ड्स क्लियर कार को देखा भी नहीं है। लेट्स गो, बताते हैं इसे उस गाड़ी के बारे में। बताओ फ्रैंकलिन, तुम्हें वो गाड़ी कैसे मिली थी? हाँ, तो एक्चुअली कल रात में अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर आ रहा था, वही मुझे रास्ते में एक गाड़ी नजर आई थी जिसे मैं अपनी एक अच्छी गाड़ी समझ के अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। पर माइकल, वो मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। आधी रात होने के बाद वो गाड़ी अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर चलने लगी और काफी सारे लोगों को कुचल के मार भी दिया। फिर सुबह उठ के मैंने ट्राई किया कि मैं उस गाड़ी को रोकूं, पर वो उस गाड़ी ने मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया। फिर मैं उस गाड़ी को जैसे तैसे करके उसे डिस्ट्रॉय किया और वहां से मैं भाग गया। पर सम टाइम बाद ही वो गाड़ी वापस से रिपेयर हो गई और वो इस वक्त मेरे पीछे पड़ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि हमें शायद उस गाड़ी को ढूंढने के लिए लॉस एंटोस में जाना चाहिए इस वक्त। तुम्हारी बात सही है फ्रैंकलिन, लेकिन मेरे पास भी एक प्लान है जिससे हम लोग उस गाड़ी को ढूंढ सकते हैं और मार भी सकते हैं। जैसे कि तुमने उस गाड़ी को मारने की कोशिश की, वो गाड़ी तुम्हारी एक दुश्मन बन चुकी है और वो तुम्हें मारने के लिए हर जगह पे ढूंढ रही है। यस, वो मुझे हर जगह पे ढूंढ रही है मारने के लिए। तो एक काम करते हैं, उसे गाड़ी को हम लोग एक ऐसी जगह पे बुलाते हैं जहाँ पे हम लोग उसे पकड़ सके और उस गाड़ी को पकड़ के उसके बाद हम लोग उसे खत्म कर देंगे और फिर उस गाड़ी के उर्जे पुर्जे हम लोग खोल देंगे ताकि वो गाड़ी वापस से रिपेयर ही ना हो पाए। चलो गाइस, माइकल के पास एक प्लान तो है, पर ये नहीं हमें पता है कि हम लोग उस गाड़ी को पकड़ेंगे कैसे। फिलहाल माइकल हम लोग को अपने शोरूम पर लेकर आया है और यहाँ पे ये बताने वाला है कि हम लोग उसे गाड़ी को पकड़ने वाले हैं कैसे। तो फ्रैंकलिन, मैंने यहाँ पे बात कर ली है दो बाउंसर से, जो मेरे बाउंसर से बहुत ही तगड़े और मसल बाउंसर है। वो दोनों यहाँ पे आने वाले हैं और वो दोनों बड़े बड़े जंजीर लेके आएंगे। जैसी वो गाड़ी तुम्हें मारने के लिए आएगी, वो दोनों मिलके उस गाड़ी को अच्छे से टायर में उसके
जंजीर लपेट के उस गाड़ी को रोक देंगे। जंजीर लपेटते ही गाड़ी अचानक रुक जाएगी और हम लोग उस गाड़ी को वहीं पर डिस्ट्रॉय करके उसे पकड़ लेंगे। कैसा लगा अपना प्लान? ये प्लान नहीं है माइकल, ये बेवकूफी है। एक्चुअली मैं माइकल को लगता है कि इतना आसान है उस गाड़ी को रोकना। नहीं भाई, कल रात मैंने भी कोशिश किया था उस गाड़ी को रोकने की, जिसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था आई थिंक आप लोगों को नहीं पता है। तो गाइस जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो कि मैं उस गाड़ी के साथ क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया। पर हम लोगों को कोई बड़ी प्लानिंग सोचनी होगी जिससे कि हम लोग उस गाड़ी को रोक पाए। लेकिन ये छोटा मोटा प्लान है और दो आदमियों से नहीं रोक पाएंगे उस गाड़ी को। हमें कोई बड़ा चीज चाहिए जिससे हम लोग उस गाड़ी को रोक पाए। आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे रोके उस गाड़ी को। गाइस मुझे लगता है जहां तक हमें उस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए किसी बड़े RDX बॉम्ब से और फिर उसे हम लोग को जमीन के अंदर दफना देना चाहिए। पर एक मिनट, ये किलर कार यहाँ पे आ चुकी है। अबे माइकल यहाँ पे बचने की कोशिश कर भाई। हेलो, एक सेकेंड गाइस, ये कार यहाँ पे आते ही सीधा हम लोग के ऊपर अटैक कर चुकी है। जस्ट वेट, ओ तेरी ये गाड़ी बहुत ही डेंजर से चल भाई माइकल, अभी कभी शुरू हो जाए इसके ऊपर ये फटाफट से RPG की गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दे। लेकिन गाइस हमें भूलना नहीं चाहिए, इस गाड़ी के अंदर भी गंस लगी हुई है, ये भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। लेट्स गो, इस गाड़ी को फटाफट से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ओ तो ये गोलियां चलानी भी स्टार्ट कर चुकी है। एक सेकेंड भाई, बचना पड़ेगा इससे। मेरे को पता है इसे बचना कैसे, लेकिन इसे पता नहीं है कि मैं आज इसके लिए क्या सोच के रखा हूँ। एक प्लान है मेरे दिमाग में गाइस, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं इसको सबक सिखाता हूँ, उसके बाद अपने प्लान की तरफ बढ़ते हैं। पर भाई ये गंदी तरीके से मुझे पकड़ने वाली और ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्लोज आती जा रही है। माइकल जल्दी आ भाई, क्या कर रहा है तू? एक सेकेंड, ओके माइकल ने अटैक किया है और अभी शायद से माइकल की तरफ जा रही है। एक काम करते गाइस, मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। चलो ठीक है, अभी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके मुझे निकलना होगा। बैठ जाओ माइकल जल्दी कर, बस माइकल की बैठने की देरी है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं। जस्ट वेट, एक सेकेंड, मुझे लग रहा था कि हमें गाड़ी के बैठने के बाद हम लोग को भागना है, पर ये तो उल्टा हो रहा है, गॉड्स कार भाग रही है। एक काम करते हैं, मुझे लगता है इस गाड़ी को शायद से भी किसी वीकनेस पॉइंट पर हम लोगों ने अटैक किया है। इस गाड़ी को फटाफट से गाइस पीछा करते हैं और अभी शायद से इस गाड़ी को खत्म करने का टाइम आ चुका है। लेकिन भाई ये अभी भी बहुत पावरफुल है, हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये शायद से छिपने के लिए हम लोग से छिप रही है। एक्चुअली में भाई ये गाड़ी हम लोग से छिप रही है, ये कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा पावरफुल कार हम लोग से छिपेगी? बट डोंट वरी, ओके फाइनली गाइस, अभी ये कर्ट्स किलर कार बहुत ही गंदी तरीके से फंस चुकी है। ना ये आगे से भाग सकती है और ना ही पीछे से भाग सकती है। पीछे से हम लोग पकड़ लेंगे और आगे से रास्ता ही खत्म है। तो अब टाइम आ चुका है द एंड ऑफ दिस कर्ट्स किलर कार। प्लानिंग तो हमारे दिमाग में है ही कि हम लोग इस गाड़ी को कैसे खत्म करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इसे। तो लेट्स गो, लगाते हैं यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब्स। ओके, स्टिकी बॉम्ब्स की कमी पड़ गई हमारे में, थोड़े से दूसरे स्टिकी बॉम्ब्स को ट्राई करते हैं हम लोग। ओ तेरी ये क्या, हेलो, अरे यार ये देखिए पागल है क्या, हेलो ये क्या कर लिया भाई इसने, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या इसमें। मैंने यहाँ पे RDX बॉम्ब लगा के रखा है और ये उस पे ब्लास्ट किया जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसकी आग बुझा दी, वरना तो ये जल के राख हो जाता ही। चलो अच्छी बात है कि ये बच गया है, पर अब ये किलर कार नहीं बचने वाली है। मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा रेडियस गन है, इसको ट्राई करते इस कार के ऊपर। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये काम नहीं कर पा रहा है आदमी, मुझे लग रहा है कि गाइस माइकल भी RPG से अटैक कर रहा है, मैं भी RPG से अटैक करता हूँ। शायद से ज्यादा अटैक होने की वजह से इस गाड़ी के ऊपर थोड़ी सी वीकनेस पॉइंट भी है, तो ये गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकता है। ओ हो, फाइनली गाइस इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया मैंने और माइकल ने मिलके। ज्यादातर यहाँ पे हाथ माइकल का था क्योंकि माइकल ने यहाँ पे ज्यादा कोशिश की इस गाड़ी को ब्लास्ट करने की, पर ये आसमान से गिर के किसी अजीब से पेड़ के ऊपर अटक गया है, जिसके मुझे नीचे उतारना पड़ेगा। और अभी गाइस माइकल इस गाड़ी को जैसे तैसे करके ब्लास्ट कर चुका है और इसे नीचे भी उतारने वाला है माइकल। मैं जा रहा हूँ गाइस एक बहुत ही तगड़े प्लान के लिए। एक्चुअली मुझे यहाँ पे गाइस लेकर आना है एक ट्रक जिसके ऊपर हम लोग इस गाड़ी को लोड कर सके, और इस गाड़ी को लोड करने के बाद हम लोग लेके जाएंगे गाइस बैनी के पास। बैनी के पास, आप लोग को बैनी नहीं पता है कौन है तो मैं बता देता हूँ, बैनी एक बहुत ही तगड़ा मॉडिफिकेशन करने वाला बंदा है जो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन करता है। बट डरो मत, मैं इस गाड़ी को मॉडिफाई नहीं करवाने वाला हूँ, मैं इस गाड़ी को गाइस डिस्ट्रॉय करवाने वाला हूँ। यस, मैं इस गाड़ी के सारे पुर्जे खोल के ओपन कर दूंगा
और फिर हम लोग इस गाड़ी को जमीन के अंदर दफन कर देंगे, एक एक पार्ट अलग अलग, जिसके बाद ये गाड़ी ना कभी वापस रिपेयर हो पाएगी और ना ही किसी को मार पाएगी। तो इसके बाद इस गाड़ी का द एंड हो जाएगा। आई होप कि इस गाड़ी का द एंड हो जाए, क्योंकि ये गाड़ी बहुत डेंजरस है। मुझे नहीं पता ये गाड़ी अपने आप ही कैसे रिपेयर हो गई थी लास्ट टाइम, पर हाँ अभी जो असल लगता है मुझे गाइस ये गाड़ी का खेल खत्म होने वाला है। आप लोग कमेंट करके जाना गाइस कि आज की वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो गाइस उसके लिए भी कमेंट कर देना आप लोग। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय बाय।